तो गाइस आपने ये जरूर सुना होगा कि क्रिएटिन लेने से मसल जल्दी ग्रो करने लगती है, आपकी मस्कुलैरिटी काफ़ी दिखने लगती है, आपकी जो फैट है वो कम हो जाता है, आपकी जो नसें हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिखने लगती हैं। बट गाइस आपने ये भी साथ साथ सुना होगा कि जो लोग क्रिएटिन लेते हैं उनके बाल झड़ जाते हैं, जो लोग क्रिएटिन लेते हैं उनको डिहाइड्रेशन काफ़ी फील होती है। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्रिएटिन का सच क्या है, वो काम कैसे करता है, एंड वो आपकी बॉडी में मसल गेन करने में किस तरह हेल्प करता है, एंड उसकी वजह से बाल क्यों झड़ते हैं एंड डिहाइड्रेशन क्यों होता है। तो गाइस हमारी आज की वीडियो के स्पॉन्सर है हमारे मसल असाइलम, उनका एक क्रिएटिन लॉन्च हुआ है तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्रिएटिन होता क्या है। तो गाइस क्रिएटिन एक नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड है, मोस्टली यानी कि नेचर में आपको मिल जाता है, चिकन में आपको मिल जाता है, हर जगह आपको मिल जाता है। तो बेसिकली ये तीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, आर्जिनाइन, ग्लिसाइन, मीथोनाइन, एंड बेसिकली ये सबसे ज्यादा आपकी स्केलेटल मसल में पाया जाता है, और जब भी हम ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तब ये प्रोड्यूस होता है हमारी। तो गाइस अब बात करते हैं कि क्रिएटिन एक्चुअल में काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क। तो गाइस आपको पता होगा जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में एक ही चीज यूज होती है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज कॉल्ड एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बेसिकली एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी उस टाइम यूज होता है जब हम लोग ज्यादा ही इंटेंस वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो गाइस जैसे जैसे हमारी इंटेंस एक्सरसाइज बढ़ती जाती है तो ये खत्म होते जाता है और धीरे धीरे साथ में रिप्लेनिश भी होते जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट मारा, मेरे एटीपी खत्म हो गया, फिर जैसे मैं रेस्ट लूंगा तो एटीपी हमारे रिप्लेनिश होगा, यानी कि वापस जाके उस जगह पर भरेगा। तो गाइस यहीं पे आगे हमारे क्रिएटिन यूज होता है। सो गाइस क्रिएटिन क्या करता है, अपना फॉस्फेट को डोनेट कर देता है एटीपी को, ताकि वो और ज्यादा एटीपी बना सके, एंड जिसकी वजह से आपकी बॉडी में और ज्यादा एटीपी बन पाता है, एंड इसी की वजह से हम काफी टाइम तक काफी ज्यादा इंटेंस वर्कआउट कर पाते हैं। आपने देखा होगा जो लोग क्रिएटिन लेते हैं वो ज्यादा एक्सरसाइज या ज्यादा इंटेंस वर्कआउट कर पाते हैं लंबे समय तक, एज कंपेयर टू जो लोग क्रिएटिन नहीं लेते हैं। तो गाइस क्रिएटिन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, आपको पता चल गया क्रिएटिन काम कैसे करता है, पर बेनिफिट क्या है उसके। तो गाइस उसके बहुत बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इंक्रीज मसल साइज एंड स्ट्रेंथ। तो गाइस काफी सारे स्टडी ने शो किया है कि जो लोग क्रिएटिन लेते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है एंड जो मसल का साइज है वो बढ़ गया है, एंड खासकर ये चीजें उनमें देखी गई थी जो लोग न्यू है ट्रेनिंग, यानी कि अगर आपने जिम अभी स्टार्ट किया है, 2-3 महीने हो गए हैं, 1 साल हो गया है, तो आपके लिए बेनिफिशियल काफी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एनी ओल्ड पर्सन। तो गाइस काफी सारे स्टडीज में ये देखा गया है कि जो लोग क्रिएटिन का इनटेक करते हैं कि परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट आई है। जो लोग खासकर वेट लिफ्टर हैं या जो स्प्रिंटर हैं उनमें खासकर ये चीज ज्यादा देखी गई है कि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई है, इंक्रीज्ड एंड्योरेंस। सो गाइस क्रिएटिन मसल परफॉर्मेंस के साथ साथ एंड्योरेंस भी बढ़ाता है, यानी कि खासकर जो लोग एक्सरसाइज करते हैं जैसे कि रनिंग हो गई या कोई भी एंड्योरेंस ट्रेनिंग हो गई जैसे दौड़ना हो गया या साइकिलिंग हो गई, उसमें काफी ज्यादा इफेक्ट और परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिला गया है। न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज, सो गाइस ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपकी बेसिकली मेंटल हेल्थ को बेटर रखने में हेल्प करती है। तो गाइस जिसको पार्किंसन डिजीज है या जिनको हंटिंगटन डिजीज है उनके लिए गाइस काफी बेनिफिशियल देखा गया है, इंक्रीज मसल रिकवरी। तो गाइस क्या होता है कि हम जब भी जिम करते हैं हमारी मसल ब्रेक डाउन होती है तो मसल रिकवरी में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो गाइस इसको लेने के बाद जो मसल रिकवरी हुई है काफी लोगों की जल्दी हो गई है एज कम्पेयर टू जो लोग नहीं लेते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं क्रिएटिन के साइड इफेक्ट की। तो गाइस वैसे तो क्रिएटिन काफी ज्यादा सेफ है, बट स्टिल उसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हैं जो लोगों ने नोटिस किए हैं एंड जो रिसर्च पेपर में पब्लिश भी हुए हैं। तो पहला है डिहाइड्रेशन। तो गाइस अगर आपको पता होगा कि क्रिएटिन आपकी बॉडी में पानी होल्ड करता है काफी, तो गाइस आप अगर एडुकेट अमाउंट ऑफ पानी नहीं पी रहे हैं तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो गाइस आप अच्छे अमाउंट में पानी पियेंगे तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी, क्योंकि क्रिएटिन का काम क्या होता है कि आपकी बॉडी में थोड़ा पानी होल्ड करना, एंड आप उस अमाउंट में पानी नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे बॉडी को जिस अमाउंट में क्रिएटिन आपकी बॉडी मांग रहा है, तो डिहाइड्रेशन आपको हो जाएगी। तो गाइस कुछ लोगों को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्ट्रेस भी हो जाता है। तो गाइस उसमें होता क्या है कि किसी को डायरिया हो जाता है, किसी का पेट खराब हो जाता है। तो गाइस ये बहुत कम केसेस में देखा गया है। तो गाइस ये एक बहुत रेयर चांस है कि आपको क्रिएटिन लेने के बाद डायरिया हो जाएगा, एंड बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट ये है कि आपको मसल क्रैम्प आ सकते हैं या किडनी डैमेज हो सकता है। तो गाइस क्या होता है कि आप जब ज्यादा वर्कआउट करेंगे तो आपके मसल में क्रिएटिन बेसिकली स्टोर होता है, तो उस टाइम भी मसल क्रैम्प आने के चांस हो जाते हैं, बट यूजली लोग इतना नहीं ले पाते कि उनको मसल क्रैम्प आए या किडनी डैमेज हो, तो इसलिए इसके पीछे किसी भी बॉक्स के पीछे आप जो भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लूंगा अभी मसल असाइलम का, तो उसके पीछे सर्विंग साइज भी दिया होता है। अगर आप उसके हिसाब से सर्विंग साइज लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, एंड उसके साथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पानी पियेंगे, तो ये दोनों डिजीज से या ये दोनों साइड इफेक्ट से आप बच सकते हैं इजीली। सो गाइस अब बात करते हैं कि क्रिएटिन को लेना कैसे है। सो गाइस ध्यान से सुनने वाली बात है कि आप लोग क्रिएटिन को बहुत तरीकों से ले सकते हैं, बट आमतौर लोग इसको सिंपली हर रोज लेते हैं, एंड नॉर्मली हर रोज आप 3-5 ग्राम तक कंज्यूम कर सकते हैं। या तो आप क्रिएटिन एक्सरसाइज करने से पहले ले लें या आप उसको एक्सरसाइज करने के बाद ले लें।
बट गाइस ये बात ध्यान में रखना कि क्रिएटिन जब भी आप ले रहे हैं आप एडुकेट अमाउंट ऑफ पानी पिए ताकि आप डिहाइड्रेशन से बचो। गाइस अब बात कर लेते हैं मसल असलम के ऊपर जो कि हमारे वीडियो के आज के स्पॉन्सर है। तो बेसिकली मसल असलम एक हेल्थ केयर ब्रांड है जो कि प्री वर्कआउट क्रिएटिन और हेल्थ सप्लीमेंट्स सेल करता है, वो भी काफी अफोर्डेबल रेंज पे। एंड गाइस इनके मोस्टली प्रोडक्ट्स के ऊपर 4.2 स्टार से ऊपर ही रेटिंग है एंड मिलियंस में कस्टमर हैं इनके। एंड गाइस इनका जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं वो इनका टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है Amazon पे। एंड गाइस ये इसलिए है क्योंकि ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है एंड काफी ज्यादा कस्टमर को रिजल्ट आए हैं इससे। एंड जैसा ही कंपनी का मोटिव है कि रिजल्ट मैटर एंड यू मैटर। सो गाइस ये जो आप अभी मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है मसल असलम की तरफ से क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जिसकी एक सर्विंग 300 मिलीग्राम की है। एंड गाइस ये एक पूरे डब्बे में 62 सर्विंग्स मिलती हैं, यानी कि गाइस अगर आप लोग हर रोज एक सर्विंग भी लेंगे तो आपके 2 महीने आराम से चल जाएंगे। एंड गाइस मुझे क्रिएटिन में ये दिक्कत आती थी, क्रिएटिन का टेस्ट काफी बेकार होता है। एंड गाइस होता क्या है कि क्रिएटिन मोस्टली रॉ फ्लेवर में मिलता है, बट मसल असलम ने अभी फिलहाल ये दिक्कत दूर कर दी है कि क्रिएटिन फ्लेवर से भी आने लगे हैं आजकल। जैसे कि मेरे हाथ में जो फ्लेवर है वो लेमन फ्लेवर है, और भी इनके फ्लेवर है जैसे कि कोला हो गया, ग्रेप हो गया। एंड ये काफी ज्यादा सस्ता है एज कम्पेयर टू जैसे कि बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए। गाइस क्रिएटिन रिजल्ट्स भी देगा एंड फ्लेवर भी देगा एंड काफी अफोर्डेबल रेंज में आप लोग ले भी सकते हैं। तो गाइस मुझे तो लगता है बैंक फॉर द बक है। गाइस इस पे क्या सीन है कि इसमें QR कोड भी मिलेगा ताकि आपको कोई फेक प्रोडक्ट से डील ना करनी पड़े। तो आप जब भी ऑर्डर करेंगे तो आपको पूरा सब कुछ मिल जाएगा इसके ऊपर, MRP क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है और बैच नंबर भी मिल जाता है कि कौन से बैच का है। एंड साथ में इसके साथ एक ग्लोइंग लोगो मिल जाता है। तो गाइस मेरे ख्याल से इट्स द बेस्ट क्रिएटिन आउट देयर ऑन द Amazon और द इंटरनेट। सो गाइस आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटिन आउट देयर ऑन द इंटरनेट। एंड मैं जो क्रिएटिन पहले खाता था वो काफी ज्यादा अनफ्लेवर्ड होते थे, तो ये मैं फ्लेवर वाला खा रहा हूं इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। तो गाइस आप भी जरूर ले मसल असलम की तरफ से जो क्रिएटिन है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में तो आप लोग जाके खरीद सकते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो गाइस क्रिएटिन एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है एंड गाइस सप्लीमेंट की इंडस्ट्री में इसको सबसे टॉप पे रखा गया है क्योंकि गाइस ये चीप है, इफेक्टिव है एंड गाइस के बहुत कम ही साइड इफेक्ट है। एक साइड इफेक्ट ये माना जाता है डिहाइड्रेशन, बट गाइस अगर आप लोग एडुकेट अमाउंट ऑफ पानी पिए तो गाइस वो दिक्कत भी दूर हो जाती है। बट लेने से पहले गाइस इस बात का ध्यान रखिए कि इसके साइड इफेक्ट बढ़ भी सकते हैं अगर आपके ऑलरेडी कोई बॉडी में प्री मेडिकल कंडीशन है, फॉर एग्जांपल आपकी किडनी डैमेज है ऑलरेडी। तो गाइस एक बार इन सब चीजों को लेने से पहले एक बार डॉक्टर से अपने बात कर ले कि गाइस मैं ये ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं, डॉक्टर से अपने पूछे रिकमेंडेशन ले। अगर आपको ऑलरेडी कोई दिक्कत है, अगर आपको ऑलरेडी कोई दिक्कत नहीं है तो अगर आप जेन्युइन ब्रांड का कोई सभी क्रिएटिन लेंगे तो यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स। बट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम बिफोर सो प्लीज जस्ट आस्क योर डॉक्टर एंड इट विल बी फाइन। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गाइस लाइक कर दे एंड ये वीडियो दोस्तों को शेयर जरूर करना ताकि वो क्रिएटिन लेने से पहले सोच ले एक बार उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। मैं अगली वीडियो को रिव्यू करने वाला हूँ प्रोटीन का जो गाइस मैं ले रहा हूँ एंड मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो अगली वीडियो प्रोटीन के ऊपर आएगी।